इसी पर हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। अजय जी, जिस तरह से केसीआर जो है वो तेलंगाना चुनाव में एक फैक्टर माने जाते हैं, हालांकि दोनों पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस है वो भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? पूनम जी, सबसे पहले तो आप नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आज तेलंगाना में जिस तरह की वोटिंग हो रही है जी, इस वोटिंग को देखते हुए 2018 को देखना होगा कि 2018 में कांग्रेस की जो वोटिंग परसेंटेज थी, जो कांग्रेस के लिए थी, वो बहुत कम थी। और अभी इस चुनाव में बीएसआर और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बिल्कुल द्वंद्व युद्ध चल रहा है। बीएसआर चाहती है मैं जीत रही हूँ और बीजेपी सोच रही है कि मैं जीत रहा हूं, और ऐसी स्थिति तौर से कांग्रेस की बढ़त होने वाली है वहां पर, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक के जो एमपी एमएलए तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में जो अपनी मेहनत की है बीजेपी के स्टाइल में जो मेहनत की है, निश्चित तौर से कांग्रेस की बढ़त होने वाली है। आप देख रही होंगी आज सवेरे 10:30 बजे एक बूथ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, मारपीट तक हो गई है कांग्रेस और बीएसआर के लोगों में जी। अब और वोटिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अगर ये वोटिंग परसेंटेज 65% से ऊपर जाता है तो निश्चित तौर से वहां के बुनकरों की जो गुस्सा है, आप देखिए जो साड़ी की इंडस्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, जो बुनकर है, वो कहीं ना कहीं केसीआर से नाराज हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनका सहयोग नहीं किया है और कांग्रेस ने उनके साथ भरपूर जुड़ने का प्रयास किया है, कर्नाटक की टीम उनके साथ भरपूर जुड़ने का प्रयास किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएसआर और बीजेपी के झगड़े में इस बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है, और बाकी तो समय आएगा जो 3 तारीख को बताएगा। और इसी के लिए मैं कहूंगा कि आज जिस तरह से कांग्रेस जाने की कोशिश कर रही है, अगर कांग्रेस के जिस पुराने धर्रे को देखा जाए तो हिंदुत्व कार्ड और मुस्लिम कार्ड और केरल कर्नाटक के बिहेवियर का कार्ड भी इसमें काम आएगा, और बीजेपी को निश्चित तौर से बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन परसेंटेज इस बार बीएसआर का गिरेगा। बिल्कुल राजा जी, आपने कांग्रेस की बात कही और कहा कि कांग्रेस लगता है कि इस बार तेलंगाना में अपनी पार्टी बनाए, लेकिन जिस तरह से एक भाषा के बारे में अगर बात की जाए, प्रचार सभी पार्टियों की ओर से किया गया लेकिन भाषा पर जिस पार्टी की पकड़ होती है उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है अपने क्षेत्र में। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, आज भाषा के ही कारण 2014 से लेकर के आज 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, अपनी भाषा को किस तरह से उन्होंने संभालते हुए लोगों के बीच में जब भी पहुंचते हैं अपनी लोकप्रियता की छाप छोड़ जाते हैं। और नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के चुनाव में भी कई कई बार रैलियां की हैं, बल्कि उतनी रैली राहुल गांधी जी ने नहीं की है। और ये भी मानना होगा कि आज प्रवासी वोटर्स जो हैं, जो प्रवासी वोटर्स हैं, जो तेलंगाना में नौकरी करते हैं, बुनकर का काम या रेड़ी लगाते हैं, आप जहां पर ओएसी एआईएम का गढ़ है वहां भी लगभग प्रवासी 10% से 12% तक है उस पूरे एरिया में, उनके कंस्टिट्यूएंसी में, जो कंस्टिट्यूएंसी तो बहुत बाहुल्य समझते हैं। तो जो प्रवासी वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बार कर्नाटका के चुनाव के बाद कांग्रेस को थोड़ा प्लस करने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी, और मैं हर पार्टियों को कहता हूं कि आप अपनी भाषा का इस्तेमाल सही ढंग से करिए, क्योंकि ये देश है। आज बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, आप ये बात भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो अपनी भाषा के थ्रू ज्यादा कनेक्शन संपर्क कर पाती हैं क्षेत्रीय लोगों से, क्योंकि बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, उनका इतना प्रभाव चुनाव प्रचार में नहीं लोगों के ऊपर होगा जितना तेलंगाना की जो लोग हैं, तेलंगाना की जो पार्टी है बीएसआर, उनके लोग चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो उनसे ज्यादा वो प्रभावित होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूनम जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक क्षेत्रीय भाषा होती है, उस भाषा के हिसाब से बीएसआर को लोग समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बीएसआर वहां पर सरकार में थी और बीएसआर ने कोई बहुत अच्छा काम करने की कोशिश अपने लोगों के बीच में नहीं किया है। और एक बात तय है, जो व्यक्ति जहां रहने लगता है, जो प्रवासी चाहे महाराष्ट्र में रहने लगे, गुजरात में रहने लगे, आपके दिल्ली में, कर्नाटक में, बंगाल में, कहीं रहने लगता है, वहां की भाषा सीख जाता है और वहां के लोगों के साथ मिलके रहता है, इस बार निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का कैडर,
जो वहां पर था, जो पहले उन्होंने 20% वोट पाकर जीतने का प्रयास किया था, उन लोगों ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से बीएसआर और बीजेपी की बड़ी द्वंद्व युद्ध चल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह सकती हैं कि भाषा का थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन इस भाषा में भी लोगों को मालूम है कि हमें किधर जाना है, हिंदुत्व की तरफ या जो एआईएम प्रचार करते हैं उनकी तरफ, या अपनी सुविधाओं के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी महंगाई को सिस्टम को लिए। तो वो निश्चित तौर से ऐसी स्थिति को देखते हुए विकास की तरफ जनता जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से तरंग जी कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और निकल के बाहर वोट डालिए, और उसे वोट डालिए जो पार्टीवाजी के बात की ना हो, जो आपके व्यक्तित्व का हो, जो आपके विकास का सोचता हो, जो आपके राज्य के विकास की सोचता हो, उसे वोट जी। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, कांग्रेस की बात आपने कही और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो इस बार जीत सकती है तेलंगाना में। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास कई ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं अजय जी, जैसे भारत जोड़ो यात्रा की कहानी कांग्रेस के पास रही, कांग्रेस ने तेलंगाना में 6 गारंटी दी, और अभय असम जो योजना है कांग्रेस की, जो तेलंगाना बीएसआर पार्टी ने बंद की हुई है, वो भी उसके पास हथियार है एक बड़ा कि उससे शुरू करने की बात कांग्रेस ने कही है। देखिए पूनम जी, ये बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस और आज की जो पार्टियां हैं वो प्रलोभन देने का काम कर रही हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान में जिस तरह से प्रलोभन देने की बात की, या कांग्रेस ने जिस तरह से, प्रलोभन एक अलग चीज है जी। प्रलोभन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, प्रलोभन पर आज जनता पूरी तरह निर्भर नहीं है, जनता खुद कहना चाहती है कि हमें हमें तो हमारे हाथ में रोजगार दे दो, हम काम करने को तैयार है। लेकिन हाँ, कांग्रेस कमजोर समझिए इस मामले में कि कांग्रेस को बहुत से मौके मिले। ये भारत जोड़ो यात्रा कोई राहुल गांधी का कार्यक्रम था तो कोई बहुत ज्यादा इससे जनता ने, जो कांग्रेसी लोग थे वो जुड़ने की कोशिश की है, आम जनता जुड़ने की ढंग से कोशिश नहीं की है। कांग्रेस को इतने मुद्दे मिले थे लेकिन कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उठाया नहीं, जैसे मणिपुर का मुद्दा, जैसे टमाटर का मुद्दा, जैसे महंगाई का मुद्दा, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा। एक एक मुद्दा मुझे बताइए जो कांग्रेस के लोगों ने इसके प्रति जंतर मंतर पर या क्षेत्रीय इलाके में या राज्यों में आंदोलन करने की कोशिश की। भारत देश को आंदोलनकारी देश कहा जाता है, यहाँ लोकतंत्र सिस्टम बना है, आप जनता के हक में लड़ाई लड़िए, जनता आपकी हो जाती है। कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा पुरजोर कोशिश नहीं किया, लेकिन कांग्रेस को मैं इसलिए कहता हूं कि बढ़त हो जाएगी क्योंकि बीएसआर और बीजेपी की जो द्वंद्व युद्ध चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ सकता है, शायद इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस वहां सरकार बनाए। लेकिन एक फैक्टर ये भी है अजय जी, जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहा था कि बीएसआर और बीजेपी जो है एक ही है और हम जीत कर जो है पार्टी बनाएंगे, सरकार बनाएंगे तेलंगाना में, इस बारे में आप देखिए जी, आप देखिए हर बार बीजेपी ने कहा है कि भाई बीएसआर हमारे साथ है, लेकिन बीएसआर के जो हेड हैं उन्होंने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं बीजेपी के साथ हूँ या इंडिया के साथ हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको आज भी कॉन्फिडेंस है कि हम फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार की इन दोनों की लड़ाई में कहीं तीसरा आदमी बाजी ना मार जाए, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर से बीएसआर और बीजेपी को फिर से तेलंगाना में मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।